हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही 2 मार्च को इसरो में एनआरएससी जो जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर अभी एग्जाम लगा था, तो उसकी रेस्पॉन्स की जो कैंडिडेट रेस्पॉन्स की है वो जारी कर दी गई है। तो वो आप अपनी कैंडिडेट रेस्पॉन्स की जो देख सकते हैं, उसे देखने के लिए फ्रेंड्स आपको इसरो की मेन साइट पर आ जाना है, या फिर इस साइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, या फिर आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है वहां जाके भी इस लिंक को देख सकते हैं, जो कि मैंने कुछ देर पहले इस लिंक को डाल दिया है। आप वहां पर जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस साइड पे ऑटोमेटिक यहां पर इस साइड पर आ जाओगे। अब इस साइड पे आप जैसे ही आओगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो टू लॉग इन, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे आप एक नए पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको एक आपकी जो यूजर आईडी है वो मांग रहे होंगे और यहाँ पे एक पासवर्ड मांग रही होंगी। यूजर आईडी और पासवर्ड जो फ्रेंड्स आपने जब इसका इसरो एनआरएससी का फॉर्म भरा था उस टाइम पे आपके ईमेल पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा गया होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं अभी हमारी ईमेल आईडी पर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी को चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसरो की तरफ से एक यहाँ पे आपको जब आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे आपको एक यहाँ पे ईमेल भेजा गया होगा इसरो की तरफ से। उसमें यहाँ पर आपको आपकी यूजर आईडी दे रखी होगी और उसी के जस्ट आगे आपको यहाँ पर एक पासवर्ड दे रखा होगा। यही यूजर आईडी और पासवर्ड आपको इसके अंदर यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको जो है टाइप कर देना आपका यूजर आईडी और यहाँ पे नीचे आपको पासवर्ड, नीचे यहाँ दे रखा है, यहाँ पे आपको ऊपर दे रखा है जो कैप्चर, क्लिक कर देना। जैसे ही आप ये क्लिक करके लॉग इन सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पे आ जाओगे। लॉग इन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक आपकी जो मेन जो आपने एप्लीकेशन भरा था उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने एप्लीकेशन भरते टाइम पे जो भी आपकी डिटेल्स है वहाँ पे मिल जाएगी। ऊपर ही ऊपर जब आप देखोगे यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, एप्लीकेशन डिटेल, एडमिट कार्ड, कैंडिडेट रेस्पॉन्स और ऑब्जेक्शन। तो उसके अंदर फ्रेंड्स आपको जो थर्ड ऑप्शन है कि कैंडिडेट रेस्पॉन्स, उस पर क्लिक करना है। अगर फ्रेंड्स आप ये लैपटॉप या फिर आपने पीसी वगैरह में यूज कर रहे होंगे तो ये आपको ऊपर देखने को मिलेंगे, या फिर अगर आप अपने फोन से ये चीज अगर कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक थ्री डॉट यहाँ पे थ्री लाइन देखने को मिलेगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे थ्री लाइन पे यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा आपको साइड में, उस थ्री लाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ये चीजें शो करने लग जाएगी। ये एक जो ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर थर्ड वाला जो सेक्शन है उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आप यहाँ पे एक छोटी सी देख रहे हो नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ रहा है टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर एनआरएससी 2 मार्च 2014 क्लिक हेयर। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगी। इस पीडीएफ के अंदर जो भी आपने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं, जो भी आपने एग्जाम दिया है, उस एग्जाम के अंदर जो जो आपने क्वेश्चन सही करें गलत करें जो इसरो की तरफ से जो भी रेस्पॉन्स है उसकी आंसरों का वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं मेरे सामने ये पीडीएफ ओपन हो गई है, और जस्ट यहाँ पर आप ऊपर देखोगे जहाँ पर राइट कोने के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करके इस पीडीएफ को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करके आप यहां से अपने फोन में से पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और फिर आप अपने क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं। अगर आपको किसी चीज की यहां पर क्वेश्चन पे डाउट लगता है तो उस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए फ्रेंड्स बने लिए हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए किसी फॉर्म को लेके या आंसर की को लेके। तब तक के लिए थैंक यू। और जो ये वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जहां जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम सबसे पहले वीडियो बनाने से भी पहले फ्रेंड्स जैसे ही हमारी लिंक एक्टिवेट होता है वहां पे हम सीधा डायरेक्ट लिंक दे देते हैं, जहां पे आप लिंक पे क्लिक करके और अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हो।